तो यार लिटरली गाइस अभी भी मैं शॉक में हूँ कि यार कैसे आपको बताऊँ कि क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 2 जो है वो कंफर्म हो चुका है या रिवील हो चुका है या फिर लीक हो चुका है। तो यार इस न्यूज़ के बारे में मुझे तब पता चला जब मैं इस वीडियो को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो अपलोड कर चुका था। जी हाँ गाइस, इस वीडियो को अपलोड करने के 15 मिनट बाद मुझे पता चला कि सीजन 2 जो है वो लीक हो चुका है, जहाँ पे मैं आपको अपने वीडियो में बता रहा था कि अब सीजन 2 का आना लगभग ना के बराबर है। लेकिन यार ये न्यूज़ मिलने के बाद यार अब मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ उम्मीद है, कुछ होप है, जहां पे हमें सीजन 2 अब जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ड्रैगन एनिमे। तो यार गाइस, मैं आ चुका हूं एक और एनिमे अपडेट के साथ, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 2 का रिलीज डेट के बारे में, जो कि हमें रिसेंटली मिला है। तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसी तरह के कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार ये न्यूज जो हमें मिला है क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 2 को लेकर, ये न्यूज हमें एक एनिमे लीकर की तरफ से मिला है जिसका नाम है वाइबो, जिसने 20 फरवरी शाम को क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 2 को लेकर ट्विटर पर एक पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था कि यार क्लासरूम ऑफ द एलीट का जो टीवी एनिमे सीक्वल है वो अडेप्ट होने वाला है, वो भी सेकेंड ईयर से। लेकिन यार उसके कुछ देर बाद ही वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया। लेकिन यार अच्छी बात ये थी कि यार एक दूसरे यूजर ने भी उसी चीज को अपने ट्विटर आईडी पर भी पोस्ट किया है, जहां पे हमें पता चला कि यार एक्चुअल में वो पोस्ट क्या था। तो आप स्क्रीन पर ये पोस्ट देख रहे होंगे कुछ देर से, जहां पे एक मांगा मोगुरारे नाम के किसी यूजर ने ये न्यूज पोस्ट किया है। तो यार कहा जा रहा है कि यार जो ये न्यूज मिला है एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी लीकर से मिला है, जिसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन यार इस चीज को लेकर काफी सारे सवाल है हमारे अंदर, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अडेप्ट होने वाला है वो होने वाला है सेकेंड ईयर से, मतलब कि जो हमने देखा था सीजन 1 में उसके बाद जो भी बचा है फर्स्ट ईयर का वो सब स्किप हो जाएगा और डायरेक्ट सेकेंड ईयर से शुरू हो जाएगा। तो यार यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी सेंस वाली बात नहीं लग रहा है कि यार कैसे कोई स्टोरी में इतना बड़ा गैप कर सकता है। भले ही 1 या 2 वॉल्यूम स्किप करे तो यार चलता है, लेकिन यार डायरेक्ट 8 वॉल्यूम को स्किप करना बहुत ज्यादा रिस्क है और एक बेवकूफी है। तो यार यहाँ पे ये चीज देखकर मुझे ये न्यूज बिल्कुल फेक लगता है। और अगर दूसरी तरफ देखे तो यार मैंने इस यूजर का ट्विटर हैंडल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यार मुझे नहीं मिला। लेकिन गाइस अगर आपको मिलता है तो यार मुझे इसका लिंक कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना, क्योंकि यार मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये बंदा है कौन। और यार मैंने और भी चीजें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यार मुझे क्लासरूम ऑफ द एलीट की सीजन 2 को लेकर कुछ भी नहीं मिला। तो यार मुझे तो यार ये टोटली फेक लगता है, इवन मुझे इसमें 1% का भी भरोसा नहीं है। तो गाइस मैं तो बस यही कहूंगा कि यार ये टोटली फेक है। बाकी यार हम दूसरे नजरिए से देखें तो शायद हमें सीजन 2 देखने को मिल सकता है, लेकिन यार फिर भी एकदम से सेकंड ईयर के अडेप्टेशन की बात है तो यार यहाँ पे भी मुझे बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। बाकी गाइस आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन पर जरूर बताओ जल्दी से। बाकी यार मुझे तो ये सिर्फ एक रूमर्स लगता है, लेकिन यार फिर भी 25 फरवरी को सेकंड ईयर का 6th वॉल्यूम रिलीज होने वाला है, तो शायद उसके बाद हमें कुछ न्यूज मिल जाए जो हम चाहते हैं। तो यार तब तक के लिए बी रेडी फॉर इट ऑल द क्लासरूम ऑफ द एलीट एनिमे फैंस। तो यार बस आज के लिए इतना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या फिर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गया हो तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इंस्टेंट अपडेट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, जहां पे मैं एनिमे से रिलेटेड डेली अपडेट देता रहता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो गुड बाय।